हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी दिल्ली संतलत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन से जुड़ी हुई समस्त घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गोरी जब भारत से अपने देश को लौटने लगा, तब अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत यानी दिल्ली का राजा बना करके चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों तुर्क जात का था, तुर्क जाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था, जब दान करता था तो लाखों का दान करता था दिल खोल करके, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत, और ये उनके कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना में सेना नायक भी हुआ करते थे, एक प्रकार के बहुत बड़े सलाहकार भी हुआ करते थे, और इनको गुरु मानते थे, और इसीलिए इन्होंने अपने गुरु या प्रसिद्ध सूफी संत की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। दोस्तों, एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में चौगोन या पोलो नामक खेल खेल रहा था। घोड़े से सवार होकर चौगोन या पोलो नामक खेल खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में। घोड़े पर सवार होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक चौगोन या पोलो नामक खेल खेल रहा था। तभी अचानक घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उधर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन वह अभी पूरी ना हो सकी। तब कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम, इस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी और ऐबक की मृत्यु हो गई। तब दोस्तों, कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम इसके दामाद इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार पर एक बार आकाशीय बिजली गिर गई। कुतुब मीनार पर आकाशीय बिजली गिर गई, और आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण कुतुब मीनार की ऊपरी एक मंजिल ढह गई, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में एक मंजिल के बजाय दो मंजिलों का निर्माण करवाया था। यानी एक मंजिल गिरी थी कुतुब मीनार की, तब फिरोज शाह तुगलक ने दो मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार दोस्तों, कुतुब मीनार से तीन राजाओं का संबंध है, यानी नींव रखने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश उसके दामाद ने किया, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार पर आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण इसकी ऊपरी मंजिल नष्ट हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी।
फिरोज शाह तुगलक ने दो मंजिलें बनवाने का काम किया।